तो सर मैं लगातार 5 वर्षों से, विगत 4 वर्षों से मैं दवाई ले रहा था। फिर मेरे मित्रों ने, परिचितों ने बोला कि यहाँ सेंट्रल गुवाहाटी में मोदी जी की एक दुकान इधर में खुली। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स, सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। आपका यहाँ पूरा गुवाहाटी में मोदी जी के दुकान के नाम से ही यहाँ जाने जाते हैं। आप स्टार्ट किया और उसके बाद हम लोग अभी 2 जनऔषधि केंद्र है और हम लोग, मेरा मित्र मिलकर अभी तक 6 गुवाहाटी में खुला हुआ है सर। और इसमें बताइए बताइए। मेरा नाम अनुभव मानता है और 13 साल पहले मेरा एक पेन एक्सीडेंट हुआ था, उसमें से मैं 72% फिजिकली चेलिंग हो गया। तो उसी टाइम से सर मैं हमेशा चाहता था कि पेशेंट यहाँ पे करना चाहता हूँ। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे कहा गया है कि सबसे पहले वाड़ी के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध दिवस पर आज माननीय प्रधानमंत्री देश भर में 600 जन औषध केंद्रों का उद्घाटन करने वाले हैं। इस उद्घाटन के अवसर पर आज जो हमारा जन औषध केंद्र है उस पर ये कार्यक्रम रखा गया है। जन औषध केंद्र जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में कार्यरत है उस पर महीने बिकने वाली दवाइयों की संख्या बहुत कम है, इसलिए ये संख्या कैसे बढ़े और चिकित्सक इस संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ब्रांडेड दवाइयां, बहुत सारी नकली दवाइयां भी होती हैं। ऐसी स्थिति में जन औषध केंद्र से मिलने वाली जेनरिक दवाइयां ना केवल मूल्य में कम है बल्कि ये गुणवत्तापूर्ण है। इसमें सॉल्ट सुनिश्चित होता है कि कौन सा सॉल्ट कितनी मात्रा में डला है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इसका प्रचार प्रसार हो और अधिक से अधिक पेशेंट्स को इस औषधि केंद्र की ओर लाने जाने की कोशिश डॉक्टर्स द्वारा की जाए। तो हमने निवेदन किया है कि इस केंद्र पर सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हो पूरे वर्ष पर, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और ना केवल कोशिश हो बल्कि कोई भी मरीज जो यहाँ आए वो यहाँ से खाली हाथ लौट कर ना जाए, उसको दवाई उपलब्ध हो, इस बात के लिए आज हमने डॉक्टर्स को कहा है। और मुझे लगता है कि ये जो जन औषध दिवस मनाने का पीछे उद्देश्य भी यही है कि जेनरिक दवाइयों की ओर जन मानस को आकर्षित किया जाए ताकि उसकी जेब ढीली ना हो और वो जल्दी स्वस्थ हो सके। अभी क्या स्थिति है दवाइयों की? अभी जो दवाइयों की स्थिति है वो दवाइयों की स्थिति ये है कि यहाँ पर मंथ 1 लाख रुपए तक की ही दवाइयों का विक्रय होता है, तो ये बहुत कम है, इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये अभी बढ़ नहीं रही है और एक ये 24 घंटे खुले भी, क्योंकि अनेकों बार बंद होती है। और दूसरी बात, जितनी जेनरिक दवाइयाँ होनी चाहिए उतनी दवाइयाँ उतने प्रकार की दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध नहीं है। और सस्ती प्रमाणिक दवाएं जो जेनेटिक हैं, 80 से 90% सस्ती दवाएं, वो दवाएं यहाँ इसके अंदर पे मिल रही है। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में आज ये दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए आज ये केंद्र पे ये कार्यक्रम हुआ है। धन्यवाद।